नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार होंगे। टॉपिक हमारा आर ओ ए आर ओ और पी सी एस प्रिलिज्म, और जो आर ओ ए आर ओ का री एग्जाम होना है उसको ध्यान में रखकर के क्लास है। विश्व के प्रसिद्ध प्रमुख मरुस्थलों की चर्चा करते हैं बेटा, है ना, जो एग्जाम में हमेशा पूछे ही जाते हैं। विश्व के प्रसिद्ध मरुस्थल कोई ना कोई एग्जाम में अवश्य आता है बेटा। यहाँ से इस क्लास को एक दिवसीय आप जो भी एग्जाम देते हैं, किसी की एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। लेकिन मुख्य फोकस जो पढ़ाने का है, मानचित्र के माध्यम से पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो है सिर्फ और सिर्फ आर ओ ए आर ओ और पी सी एस के एग्जाम के लिए। बाकी का किसी भी एग्जाम के लिए आप इनको याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो चर्चा करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के विषय में। अच्छा देखिए, मरुस्थल कैसे कहते हैं? मरुस्थल बेटा उसे कहते हैं जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं बेटा? मरुस्थल कहा जाता है। उसी क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। तो मानचित्र के माध्यम से बेटा हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को ले लेते हैं बेटा। सबसे पहले कैसे ले लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले ले लेते हैं बेटा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विषय में समझते हैं मरुस्थलों को लेकर के बेटा। तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है आपके सामने। ठीक है जी, ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र है आपके सामने। कौन सा महाद्वीप है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश बोल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विषय में मैं आपको चर्चा करता हूं और बताता हूं बेटा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के विषय में हम चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को आप समझिएगा बेटा। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से मानचित्र है, सॉरी कौन कौन से मरुस्थल है? तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है बेटा? पूर्वी हिस्सा। ये पूर्वी दिशा है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ये पूर्वी हो गई तो आप समझ रहे होंगे ये पश्चिमी हिस्सा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया का बेटा कौन सा हिस्सा होगा? ये पश्चिमी हिस्सा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी दिशा है ये ऑस्ट्रेलिया की बेटा। ठीक है, ये पश्चिमी दिशा हो गई, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया ऑस्ट्रेलिया का, आप समझ रहे होंगे। नीचे वाला हिस्सा कौन सा हो गया बेटा? दक्षिण हो गया। थोड़ी सी दिशा आप क्लियर होंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। और जो ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका उत्तर हिस्सा हो गया, यानी कि उत्तरी दिशा हो गई ऑस्ट्रेलिया की। तो बेटा एक बात आप पहले क्लियर समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की जहां तक हम बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकांश मरुस्थल हैं या ज्यादातर मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया का, या एक प्रश्न बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो एक हिस्सा है बेटा, वो पूरा का पूरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा है जो मरुस्थलों से घिरा हुआ है। इसी हिस्से में, यानी कि इस हिस्से में मरुस्थली मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के में। जो ऑस्ट्रेलिया की बेटा जनसंख्या रहती है, वो जनसंख्या यहाँ पर रहती है पूर्वी हिस्से में। ऑस्ट्रेलिया देश या ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में बेटा जहाँ तक हम पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में घनी आबादी रहती है, यानी कि जो शहर आपको मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के वो इधर मिलेंगे पश्चिमी, सॉरी पूर्वी हिस्से में। और ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी दिशा है, ऑस्ट्रेलिया की कौन सी दिशा? पश्चिमी दिशा, वो मरुस्थलों से भरी पड़ी है पूरी की पूरी। बहुत सारे मरुस्थल हैं, एक एक करके बात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सी दिशा में? पश्चिम में। ये आप क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इस बात को नोट आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए, और ऑस्ट्रेलिया से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है वो आप जानते हैं बेटा। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से होकर के। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे ऊपर जो रेगिस्तान है वो कौन सा रेगिस्तान है? ग्रेट सैंडी बेटा। कौन सा रेगिस्तान है बेटा? ग्रेट सैंडी रेगिस्तान। मैं यही आपको बता देता हूं, यहां पे कहीं स्थित है आपका ग्रेट सैंडी रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है बेटा? ग्रेट सैंडी रेगिस्तान, मरुस्थल है। जैसे क्या बोलेंगे बेटा? मरुस्थल या रेगिस्तान कह सकते हैं। जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर क्या पाए जाते हैं? वहां मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे उत्तर में, ये कौन सी दिशा हो गई? नॉर्थ। तो बेटा ऑस्ट्रेलिया के सबसे नॉर्थ में, यानी कि सबसे उत्तर में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है। ठीक है, कौन सा मरुस्थल स्थित है? ग्रेट सैंडी। अब इसी के जस्ट नीचे से, यहां से होकर के एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं बेटा, कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा जाती है बेटा? मकर रेखा जाती है। तो जैसे एक थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं, यहीं से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है बेटा? मकर रेखा गुजरती है यहां से होकर के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से पूछा जाता है कई बार, प्रश्न पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कौन सी रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से होकर के? मकर रेखा गुजरती है बेटा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जी। मकर रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा के जस्ट दक्षिण में हम आएंगे,
मकर रेखा के जस्ट दक्षिण में आएंगे तो यहां पर एक रेगिस्तान है इसके, जो कि पश्चिमी दिशा में और मकर रेखा के दक्षिण में है। यहां से भी बेटा प्रश्न बनता है, मकर रेखा के दक्षिण में कौन सा मरुस्थल है बेटा? ऑस्ट्रेलिया में। तो दक्षिण में कौन सा? गिप्सन। और उसके उत्तर में कौन सा बेटा? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है मकर रेखा के उत्तर में, और दक्षिण में हो गया आपका गिप्सन, है ना। आराम आराम से देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मैंने बता दिया पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा मरुस्थल है। कौन से हिस्से में बेटा? पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा मरुस्थल है। अब इसके अलावा बेटा देख लेते हैं, इसी के थोड़ा सा और नीचे आएंगे, थोड़ा सा गिप्सन के और नीचे आएंगे तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ये ग्रेट सैंडी है, और कौन सा मरुस्थल बेटा यहाँ पे? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया। इसके थोड़ा सा दक्षिण में और आएंगे तो ये मरुस्थल है आपका, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ठीक है बेटा, ये मैं लिख दे रहा हूं आपको, वहां तक दक्षिण में स्थित है, इसी के दक्षिण में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, और ये हो गया गिप्सन मरुस्थल, और ये हो गया आपका ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यानी कि मकर रेखा के दक्षिण में कौन कौन से आ गए? गिप्सन आ गया, ग्रेट विक्टोरिया आ गया, और मकर रेखा के उत्तर में ग्रेट सैंडी मरुस्थल आ गया। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताइए आप, कोई समस्या हो कमेंट कीजिए आप, अपने समस्याओं को लेकर के कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आर ओ ए आर ओ का जो एग्जाम दिसंबर में होना है, पीसीएस का एग्जाम अक्टूबर में होना है, उसको लेकर के बेटा ये क्लास है। अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो बेटा क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं, एक तनामी रेगिस्तान है, यहां से ये थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए आपको हटाना पड़ेगा, मरुस्थल वाले हिस्से को मैं बता देता हूं। तो कौन सा मरुस्थल है? ग्रेट सैंडी। इस हिस्से में यहां एक तनामी रेगिस्तान है, यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है मैकडोनाल्ड के नाम से, एक पर्वत रेंज है। कौन सी पर्वत रेंज है बेटा? मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड पर्वत रेंज है। यहां पर कौन सी जगह स्थित है बेटा? मकर रेखा को क्रॉस करती है मैकडोनाल्ड रेंज, उसके ऊपर स्थित है तनामी। यहां से इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला है, इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला है बेटा, ऐसे निकलती है यहां से, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड पर्वत रेंज है। ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसे फैली हुई है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है, मकर रेखा के ऊपर, मकर रेखा को विभाजित करते हुए फैली हुई है। ठीक है, इसी के इस हिस्से में एक और मरुस्थल है, उस मरुस्थल का नाम है तनामी रेगिस्तान। क्या नाम है बेटा? यहां पर स्थित है तनामी रेगिस्तान। ये आपको लग रहा होगा कि पूरब में आगे, पूरब में नहीं, ये पश्चिम में स्थित है बेटा, तनामी रेगिस्तान स्थित है इस हिस्से में। और ठीक है जी, कौन सा रेगिस्तान है? तनामी रेगिस्तान है। ग्रेट सैंडी, गिप्सन, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, मैकडोनाल्ड रेंज है यहां पे, और इसी के ऊपर स्थित है, उत्तर में स्थित है तनामी रेगिस्तान। ठीक है बेटा, अब ये सभी मरुस्थल लगभग जो ऑस्ट्रेलिया से पूछे जाते हैं वो आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया से जो मरुस्थल पूछे जाते हैं वो बेटा आपके सामने है। एक और मरुस्थल है सिम्पसन डेजर्ट है बेटा, सिम्पसन डेजर्ट है, वो इस हिस्से में स्थित है, यहां पर स्थित है। एक और मरुस्थल रह रहा था हमसे सिम्पसन, कौन सा मरुस्थल है बेटा? सिम्पसन है ना, ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा है, इस वजह से ये पूरे ऑस्ट्रेलिया पे आ गई है इसकी स्थिति, लेकिन ये सभी पश्चिम में स्थित है, मैं आपको बता चुका हूँ। सभी के सभी मरुस्थल कहाँ हैं? पश्चिम में स्थित है, तो सिम्पसन मरुस्थल इस तरफ स्थित है, यहाँ पे सिम्पसन मरुस्थल है। ठीक है बेटा, कौन सा मरुस्थल है? सिम्पसन मरुस्थल है। आप दिशा पे मत जाना, पूर्वी दिशा में बता रहा हूं, ये सभी पश्चिम में, मैंने बड़ा बड़ा लिखा है इस वजह से पूरे मानचित्र पर आ गया है, लेकिन ग्रेट विक्टोरिया और गिप्सन के पूर्वी दिशा में स्थित है सिम्पसन मरुस्थल, और सिम्पसन के पश्चिम में स्थित है गिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है बेटा, तो एक दो तीन चार और एक पांच, ये पांच प्रसिद्ध मरुस्थल हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, और इनमें सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। ये पूछा जाता है कई बार, ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल है बेटा, कौन सा मरुस्थल है सबसे बड़ा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है बेटा, ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल है बेटा। ठीक है, दोबारा से मैं लिख देता हूं, चलो मैं इसे बाद में बता दूंगा, आप समझ गए होंगे, अगली पॉइंट में बताएंगे। तो ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया, गिप्सन हो गया, ग्रेट सैंडी, तनामी और सिम्पसन, ये सभी के सभी जो मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया में वो कौन सी दिशा में बेटा? पश्चिम में। एक हमारे व्यूअर्स थे भाई साहब, वो कह रहे थे कि गुरुजी बेटा शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी मरुस्थल कहाँ हैं? पश्चिम में स्थित है, धीमे धीमे खत्म कर देंगे, चिंता ना करो, है ना। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगला दक्षिण अमेरिका ले लेते हैं, अगला है ये दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका में समझ लेते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में समझ लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट मरुस्थल हैं भाई।
दक्षिण अमेरिका में समझ लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। एक अटाकामा मरुस्थल का नाम सुना होगा आपने, दक्षिण अमेरिका का बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा रेगिस्तान चिली में पड़ता है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ है? देखो अटाकामा रेगिस्तान यहां से जैसे ये वाली सीमा जो आप देख रहे हैं, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला की सीमा, तो यहीं पे चिली देश पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है? इस तरफ यहाँ पे जो मैंने आपको सीमा बताई है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसे। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे जो सीमा है, यहाँ पर जो मरुस्थल है वो कौन सा है? आटाकामा। आटाकामा रेगिस्तान। ठीक है जी, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे पड़ता है? चिली में स्थित है जी आपका। ये आपका कौन से देश में स्थित है? चिली में स्थित है। ठीक है, देश का भी नाम लिख लेंगे, अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है बेटा। ठीक है, अब इसमें एक स्थान है उसका बड़ा फेमस है विश्व भर में। अटाकामा के अंदर एक जगह है बेटा, उसका नाम है एरिका। क्या नाम है उसका? एरिका है। इसी मरुस्थल में एक स्थान है, एक जगह है जिसका नाम है एरिका। ये विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। विश्व का सबसे कैसा स्थान है? शुष्क स्थान है विश्व का। विश्व का सबसे शुष्क स्थान एरिका है बेटा। ठीक है जी, अटाकामा रेगिस्तान एरिका, दुनिया का सबसे शुष्क स्थान चिली देश में स्थित है, अटाकामा में स्थित है। और चिली में ये कहाँ पे स्थित है? चिली में बेटा उत्तर दिशा में स्थित है। चिली में उत्तरी दिशा में स्थित है। ये कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी दिशा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ नाइट्रेट वगैरह के भंडार पाए जाते हैं। अटाकामा के अंदर क्या पाया जाता है? नाइट्रेट बहुत बड़े पैमाने पर, खनिजों का भंडार भी पाया जाता है। अटाकामा में सबसे ज्यादा नाइट्रेट का भंडार मिलता है। काहे का भंडार मिलता है? नाइट्रेट का भंडार, और बहुत सारे खनिज भी पाए जाते हैं, लेकिन नाइट्रेट बहुत प्रसिद्ध है जो अटाकामा रेगिस्तान में चिली नामक देश में, चिली के उत्तरी दिशा में स्थित है। इसी मरुस्थल के अंदर एक एरिका है, और एरिका दुनिया का सबसे शुष्क, एरिका दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है, सबसे सूखा हुआ स्थान है। यहाँ लगभग 20 सालों से वर्षा नहीं पड़ी है, ऐसा वैज्ञानिकों का जो अध्ययन करते हैं भूगोल वेत्ताएं उनका अध्ययन है कि लगभग 15 से 20 वर्षों से यहाँ पर वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान एरिका को घोषित किया हुआ है, जो अटाकामा रेगिस्तान चिली देश में स्थित है, चिली के उत्तर में स्थित है बेटा। कहाँ पे स्थित है सब? चिली के उत्तर में बेटा। शब्द कम कहेंगे भाई साहब, ठीक है, कोशिश करेंगे धीमे धीमे उसे कम कहने की। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए आगे देखिए, एक पेंटागोनिया का वो है मरुस्थल, पेंटागोनिया का पठार भी है, पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है वो। ये अर्जेंटीना की सीमा दिख रही है, अर्जेंटीना और चिली की दोनों सीमा लगी हुई है। वैसे अर्जेंटीना में ज्यादातर विस्तार है। देखो ये वाली जो सीमा है वो अर्जेंटीना की सीमा है साहब। कौन से देश की सीमा? अर्जेंटीना की। और इधर से ये अर्जेंटीना की सीमा हो गई, इधर से चिली की सीमा भी लगी है। इससे इधर से बात करेंगे तो चिली की सीमा में भी है। ठीक है, अर्जेंटीना है ये ऊपर नीचे वाला देश, और इससे इस साइड में जाएंगे तो चिली की सीमा भी है। कौन से देश की सीमा है? चिली की सीमा भी है। तो यहाँ पे स्थित है, मुख्य तौर पर अर्जेंटीना में पड़ते हैं पेंटागोनिया। पेंटागोनिया का मरुस्थल, वैसे पठार भी है, पठार को ज्यादा पढ़ा जाता है मरुस्थल। ठीक है, यहाँ जो जलवायु है वो मानी जाती है, यहाँ की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। कैसी जलवायु है बेटा? शीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, एक बार काउंट कर लेना बेटा इस शब्द को, शीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल है, अर्जेंटीना में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अर्जेंटीना में स्थित है, और चिली की भी सीमा है। एक देश और जोड़ लेना यहाँ पे, चिली, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है पेंटागोनिया का शीतोष्ण जलवायु वाला मरुस्थल है। तो पूरे दक्षिण अमेरिका में मुख्य तौर पे एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो दोनों पूछे जाते हैं, एक आपका अटाकामा पूछा जाता है, शुष्क हो गया चिली देश में, एक पेंटागोनिया जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, पेंटागोनिया का अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है जी, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो बताइएगा, दिक्कत शक समस्या बताइएगा। पेंटागोनिया का पठार अलग है बेटा, पठार में सबसे ज्यादा खनिजों का भंडार है, विश्व में खनिजों के भंडार के लिए पठार फेमस है, वो अलग स्थिति है। ठीक है, अब देखिए अगले पे चलते हैं, अगला देखिएगा, यह है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप हो गया आपका? उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये प्रसिद्ध मरुस्थल है भाई साहब, जो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में और पूछे गए हैं। आप घटना चक्र लगा के देख लीजिएगा, आगे पीछे के क्वेश्चन, पिछले 10 साल के प्रश्न लगाइए, पिछले 5 साल के प्रश्न लगाइए, मरुस्थल आपको यहीं से मिल रखे होंगे। ये उत्तरी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका में जानते हैं ये वाला हिस्सा कौन सा है इसका, अलास्का है। ये कौन सा देश है आपका, कनाडा है। ये कौन सा है आपका, अमेरिका है। और ये कौन सा है आपका, मैक्सिको है। नीचे बात करेंगे तो मैक्सिको वाला हिस्सा, ये लैटिन अमेरिकी देश है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अब आपको जो सीमा ये दिख रही है भाई साहब, ये वाली सीमा दिख रही है इस तरफ से, इस तरीके से ये नीचे जा रही है इस तरीके से सीमा। और दूसरे मैं पेन से बता देता हूँ आपको, इस तरफ जो आप सीमा देख रहे हैं ऊपर वाली जो सीमा है, ये वाली सीमा, यहाँ दो मरुस्थल स्थित हैं, यानी कि अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। दोनों की सीमा अमेरिका से लगी हुई है। दो प्रसिद्ध मरुस्थल हैं यहाँ पे। दो कैसे मरुस्थल हैं, बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड पेन से मैं आपको बता देता हूँ, दो प्रसिद्ध मरुस्थल हैं और दोनों अमेरिका के मरुस्थलों को आप याद रखेंगे। दोनों जो मरुस्थल हैं वो कौन सा है, एक मोजाव है और एक सोनार है। थोड़ा सा मानचित्र मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो एक बार मानचित्र की स्थिति को और मैं क्लियर कर लेता हूँ बेटा। एक मोजाव और एक सोनार है यहाँ पर, ठीक है जी। मोजाव रेगिस्तान, ठीक है। यहाँ पर जो मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ, यहाँ पर जो मरुस्थल स्थित है वो कौन सा है, मोजाव, मोजाव मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है यहाँ पर, ये मोजाव मरुस्थल है, ठीक है। इस तरफ लिख देता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको, बड़े बड़े शब्दों में पेपर में आएगा, ध्यान रखना। मोजाव मरुस्थल, मोजाव मरुस्थल हो गया जी, यहाँ पर स्थित है। कैलिफोर्निया की सीमा लगती है यहाँ पे, कैलिफोर्निया की। और इससे नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ पे एक मरुस्थल है जिसका नाम है सोनार। यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, सोनार मरुस्थल स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है। एक मोजाव हो गया आपका, दूसरा कौन सा हो गया आपका, सोनार हो गया। सोनार और मोजाव मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल हैं, डेजर्ट हैं जी, ठीक है। अमेरिका से इसकी सीमा लगती है, अमेरिका से मोजाव की सीमा और अमेरिका से सोनार की। सोनार थोड़ा सा मैक्सिको की तरफ भी चला जाता है, सोनार थोड़ा सा नीचे मैक्सिको की तरफ। यहाँ पर अगर राज्य की बात करें तो थोड़ा मैं आपको राज्य भी इसका स्टेट में बता देता हूँ, कौन सा स्टेट है इधर, कैलिफोर्निया। ये भी लिख लेना, ये कई बार पूछा जाता है कौन से स्टेट में है ये, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया से मोजाव रेगिस्तान की सीमा लगती है, इसी रेगिस्तान में स्थित है डेथ वैली। डेथ वैली के नाम तो सुना ही होगा आपने, विश्व का सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान डेथ वैली। इसे गोल्फ का सुल्तान भी कहा जाता है, गोल्फ का सुल्तान नहीं कहते, गोल्फ का कुछ राक्षस से संबंधित कुछ वर्ड है यहाँ पे, है ना, वो भूल गया हूँ मैं। गोल्फ का कुछ बोलते हैं से मैं बताऊंगा आपको, है ना। विश्व का सबसे गर्म स्थान माना जाता है डेथ वैली, जो कि अमेरिका में स्थित है, कैलिफोर्निया राज्य में है, और मोजाव रेगिस्तान से इसकी सीमा लगती है। इसका ज्यादातर हिस्सा मोजाव रेगिस्तान से लगा हुआ है। कौन से रेगिस्तान से लगा हुआ है, डेथ वैली का, मोजाव रेगिस्तान से लगा हुआ है। इसे नोट कर लेना जी, मोजाव रेगिस्तान कैलिफोर्निया में। इसके दक्षिण में आएंगे तो कौन सा रेगिस्तान है आपका, सोनार मरुस्थल है इसके दक्षिण में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैलिफोर्निया की खाड़ी भी है यहाँ पे, है ना, कैलिफोर्निया की क्या है, खाड़ी भी है यहाँ पे। जैसे मैक्सिको की तरफ नीचे जाएंगे तो कैलिफोर्निया की खाड़ी भी पड़ती है, ठीक है। सोनार रेगिस्तान बिल्कुल कैलिफोर्निया की, ये जो है ये बीच वाला जो स्थान है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और यहीं पे स्थित है सोनार रेगिस्तान। ये आपका सोनार रेगिस्तान हो गया। तो दोनों रेगिस्तानों को आप पढ़ लीजिएगा, छाप लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों कहाँ हैं, पश्चिम में स्थित है। अमेरिका के कहाँ पे स्थित हैं, दोनों पश्चिम में स्थित हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं सब कौन सी दिशा में स्थित हैं, पश्चिम में स्थित हैं, सभी पश्चिम में स्थित हैं विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं। एक मोजाव रेगिस्तान हो गया, एक सोनार रेगिस्तान हो गया, दोनों कहाँ पे स्थित हैं, पश्चिम में स्थित हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान इसको कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, जो कि मोजाव रेगिस्तान कैलिफोर्निया में स्थित है, पश्चिम में स्थित हैं दोनों, मोजाव और सोनार। नोट कर लेना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये वाले प्रसिद्ध हैं, ये वाले दोनों प्रसिद्ध हैं बेटा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अब आ जाते हैं आप
कौन से पे आ जाते हैं? एशिया में, एशिया में आ जाते हैं। ये कुछ देशों के नाम लिखे हैं यहाँ पे, मंगोलिया, चीन, ठीक है, इन्हें हटा देते हैं। जैसे ये चाइना वाला हिस्सा हो गया, ये मंगोलिया हो गया, ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब देखिए आपको इधर से मैं बता देता हूँ, भारत के भी चर्चा करेंगे अभी, भारत की, उससे पहले चीन की। ये ऊपर का हिस्सा कौन सा देश है? चीन। अब चीन के उत्तर पश्चिम में एक मरुस्थल है जिसका नाम है टकलामाकन, टकलामाकन, टकलामाकन। कहाँ पे स्थित है टकलामाकन? चीन में स्थित है। ये चीन वाला हिस्सा हो गया, चीन में स्थित है आपका टकलामाकन। कहाँ पे स्थित है बेटा? चीन में स्थित है। इसे हटा देता हूँ, थोड़ी सी जगह वैसी कम है मानचित्र पे, तो कहाँ पे स्थित है? ये चीन में, ये चीन वाला हिस्सा हो गया। चीन का प्रसिद्ध मरुस्थल टकलामाकन चीन के कौन सी दिशा में? उत्तर पश्चिम में। चीन के कौन सी दिशा में बेटा? उत्तर पश्चिम में स्थित है। चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये हो गया आपका टकलामाकन, ठीक है जी, टकलामाकन हो गया। अब चीन से ऊपर चलेंगे तो मंगोलिया है, यहाँ पे गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा मरुस्थल है? गोभी का मरुस्थल, गोभी का बहुत फेमस है, आपने सुना ही होगा गोभी का मरुस्थल, बहुत फेमस मरुस्थल है गोभी का मरुस्थल मंगोलिया में। कौन सा देश है? मंगोलिया, मंगोलिया में है ना। और ये मरुस्थल की क्या खासियत है भाई साहब? इस मरुस्थल की खासियत है कि ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण जलवायु का मरुस्थल है। कैसी जलवायु है यहाँ पे? शीतोष्ण जलवायु। दूसरा पॉइंट बना के लिख लेना यहाँ पे, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु का मरुस्थल है। दूसरा पॉइंट बना के लिखेंगे, शीतोष्ण जलवायु गोभी मरुस्थल मंगोलिया में, ठीक है। चीन में स्थित है टकलामाकन, यानी कि ज्यादातर जो मरुस्थल हैं वो गर्म रेगिस्तान वाले ही होते हैं। टकलामाकन भी गर्म रेगिस्तान का हिस्सा है, गोभी मरुस्थल शीतोष्ण जलवायु का है। कौन सा महाद्वीप पढ़ रहे हैं हम? एशिया महाद्वीप है ये। कौन सा महाद्वीप के मरुस्थल पढ़ रहे हैं हम? एशिया महाद्वीप के मरुस्थल। आगे देखिए अब भारत वाला ही चर्चा कर लेते हैं। भारत में, भारत में देखिए, भारत ये कंडीशन आपको दिख रही है भारत की, और ये बगल में पाकिस्तान है भारत के, तो भारत और पाकिस्तान में मिला के कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान। भारत का कौन सा रेगिस्तान है? थार का रेगिस्तान है ना, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर के कौन सा रेगिस्तान है? थार का मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और विश्व का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है यहाँ। 2011 की जनगणना के हिसाब से 80 या 84 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं थार के मरुस्थल में, जो रेगिस्तान भारत के पश्चिमी दिशा में स्थित है, ठीक है जी। भारत के पश्चिमी दिशा में कैसा है? गर्म रेगिस्तान है, ये भी गर्म रेगिस्तान है। गोभी का मरुस्थल ठंडा है, गोभी का मरुस्थल ठंडा है मंगोलिया में। ये चीन में हो गया उत्तर पश्चिम में, और ये भारत के कहाँ पे हो गया? पश्चिम में हो गया। ये भारत के कौन सी दिशा में हो गया? आपका पश्चिम दिशा में हो गया है ना। ये भी देखोगे उत्तर पश्चिम में, ये भी यहीं पर लगभग जो गोभी का मरुस्थल है वो भी पश्चिमी दिशा में। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं अगला, और मरुस्थल काराकोरम एक मरुस्थल है, काराकोरम कौन सा है? काराकोरम मरुस्थल है। ये कजाकिस्तान हो गया और ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान के बीच में है। ये कजाकिस्तान हो गया आपका, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, और ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान। इन दोनों देशों के बीच में काराकोरम मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? काराकोरम मरुस्थल। काराकोरम मरुस्थल, ठीक है, काराकोरम मरुस्थल लिख लेना, शॉर्ट में बता दिया मैंने। काराकोरम मरुस्थल कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बीच में कहां पे स्थित है? तुर्कमेनिस्तान के बीच में। अरे उसी से लग गया जी, ऐसे हटाते हैं। काराकोरम मरुस्थल है, ये काराकोरम मरुस्थल है कजाकिस्तान, इसके उत्तर में, और इसके दक्षिण में कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है साहब। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो आप बताइएगा, दिक्कत शक समस्या हो तो आप बताइएगा। थोड़ा सा एक देश की और कंडीशन में आपको एशिया में ले चलता हूं, एक देश और अब एशिया में मिल जाए तो उसे भी बता देते हैं। एशिया महाद्वीप में अगर चलेंगे तो भारत से यहां पर प्लेन ऑफ प्लेटो के बगल में दस्त ए लुट, ईरान एक देश पड़ता है, ईरान सॉरी कौन सा देश पड़ेगा? ईरान। ईरान में एक दस्त ए लुट मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? दस्त ए लुट। अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान,
ईरान के अंदर दस्त ए लुट मरुस्थल है एक, यहां पे और बता देता हूं मैं आपको कौन सा मरुस्थल है, दस्त ए लुट, ये ईरान हो गया, ईरान में स्थित है दस्त ए लुट, ये बहुत फेमस है ईरान का मरुस्थल। दस्त ए कबीर भी है, एक दस्त ए कबीर और एक दस्त ए लुट, दो मरुस्थल हैं ये ईरान के बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। काराकुम तुर्कमेनिस्तान का, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान का, टकलामाकन चीन का, थार का मरुस्थल भारत का पश्चिम, भारत और पाकिस्तान में, गोभी का मरुस्थल मंगोलिया में शीतोष्ण। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो बताइएगा, स्क्रीन शॉट भी आप इसका ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, अब कौन सा बचा है हमारा, अफ्रीका में आ जाते हैं, अफ्रीका में आ जाते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, इस तरीके से आप अध्ययन से पढ़ लेंगे, मानचित्र से पढ़ लेंगे, कभी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे प्रश्न आपके गलत। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है गर्म मरुस्थल, जो कि उत्तर में स्थित है और उसका नाम है सहारा का रेगिस्तान। सहारा का मरुस्थल कहां पे स्थित है, अफ्रीका में उत्तरी दिशा में स्थित है, सहारा का मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में स्थित है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में ही फैला हुआ है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ, और कितने देशों से, 11 देशों से सीमा बनाता है, 11 देशों से सीमा बनाता है। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में, कौन सा महाद्वीप है साहब, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है साहब, ठीक है जी, नोट कर लेना कौन सा महाद्वीप है जी, अफ्रीका महाद्वीप का, सहारा का मरुस्थल उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, आगे देखिए, सहारा का मरुस्थल को याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर में स्थित है, उत्तर पश्चिम में, 11 देशों से सीमा और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल इसे पढ़ते हैं। अब यहां आ जाइए, यहां आ जाइए आप, यहां काला हरी मरुस्थल है, बहुत प्रसिद्ध मरुस्थल है, कौन सा मरुस्थल है, काला हरी मरुस्थल, अफ्रीका के दक्षिण में काला हरी मरुस्थल, तीन देशों में इसका विस्तार है, कितने देशों में विस्तार है काला हरी मरुस्थल का, तीन देशों में विस्तार है काला हरी मरुस्थल का, तीन देश कौन कौन से हैं, तीनों देशों को बताएंगे कौन कौन से तीन देशों में विस्तार है, इधर लिख करके मैं बता देता हूं, काला हरी मरुस्थल पढ़ेंगे हम, कौन सा मरुस्थल पढ़ेंगे, काला हरी मरुस्थल बेटा, तो तीन देशों में इसकी सीमा लगती है, तीन सॉरी कौन कौन से तीन देश हैं, एक नामीबिया, नामीबिया में इसका विस्तार है, बोत्सवाना में इसका विस्तार है, बोत्सवाना में इसका विस्तार है, ठीक है जी, आका डंडा है समझ लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है, दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है, तीन देशों में कौन सा मरुस्थल सीमा बनाता है, कालाहारी मरुस्थल तीन देशों में सीमा बनाता है, ये कालाहारी मरुस्थल है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, यहां कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, अब इसी मरुस्थल में एक जनजाति रहती है, जनजाति का नाम क्या है, बुशमैन जनजाति रहती है, इसी मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है, चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं कौन सी जनजाति मिलेगी आपको इधर, बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं सॉरी बुशमैन जनजाति के लोग निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल हीरा उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, हीरा उत्पादन, क्योंकि हीरा उत्पादन जो अफ्रीका में होता है वो बोत्सवाना देश में होता है, ये जो बोत्सवाना देश मैंने लिखा है जो हीरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कौन से उत्पादन के लिए, हीरे के उत्पादन के लिए। तो कालाहारी मरुस्थल कहां पे हो गया आपका, दक्षिण में हो गया, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में हो गया, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, कौन से महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, इसे भी चाहो तो नोट कर लेना, बाद में कभी पढ़ाएंगे द्वीपों को। कालाहारी मरुस्थल दक्षिण में स्थित है, तीन देशों से सीमा लगी हुई है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से सीमा बनाता है। सहारा का मरुस्थल उत्तर में चला गया, सहारा का मरुस्थल उत्तर में चला गया, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, बुशमैन जनजाति रहती है, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच भी पाए जाते हैं इसके अंदर, और हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जो बोत्सवाना करता है, दुनिया में दूसरे स्थान पर, विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन रसिया करता है, यानी कि रूस करता है। ठीक है, नोट कर लेना, कोई दिक्कत शक समस्या हो तो बताइएगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, दिक्कत वैसे आएगी नहीं, आप चिंता ना करें, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत किसी तथ्य को टॉपिक को। अब देखिए यूरोप, ये यूरोप भी लिया था, लेकिन यूरोप में क्या बेटा, यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, यूरोप, तो नोट करके लिख लेना, यूरोप महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है, कोई भी मरुस्थल स्थित नहीं है, स्थित नहीं है, स्थित नहीं है बेटा, इसे नोट कर लेना। ठीक है,
यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं मिलता है, कोई मरुस्थल स्थित नहीं है आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप भी लिया था वैसे हमने, तो लेकिन यहाँ मरुस्थल नहीं है। आगे देखिए, मरुस्थल किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा लिखा था, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं आपको बताइए जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि डेजर्ट कहा जाता है, यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थलों के नाम, कौन से गोलार्ध में, अगर प्रश्न आ जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में मरुस्थल बताइए, तो देखिए ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, पेंटागोनिया कहाँ पे, अर्जेंटीना में, कालाहारी मरुस्थल अभी पढ़ाया मैंने कहाँ पे, बोत्सवाना में स्थित है। तो ये सभी के सभी जो मरुस्थल है वो कहाँ पे स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है सभी के सभी मरुस्थल। ठीक है, आगे देखिए, दक्षिण एशिया का, ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे आपके लिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा, थार का मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है। इसका हिस्सा 85% भारत के राजस्थान में है थार के मरुस्थल का, और 15% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में बेटा। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर भी जो मरुस्थल है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल है। विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या बेटा वो कहाँ पे है, थार के मरुस्थल में सबसे ज्यादा जनसंख्या बेटा विश्व में। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा किसी भी प्रकार से अगर किसी भी मरुस्थल में कोई दिक्कत आई हो आपको। ये सबसे पहले आटाकामा बताया था, चिली में, उत्तरी चिली में शुष्क स्थान अरेका है, नाइट्रेट का भंडार इसके अंदर, पेंटागोनिया अर्जेंटीना में शीतोष्ण, यहाँ पे मोजाब और सोनार जी आपके अमेरिका में बता दिए है ना, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी, तनामी, गिब्सन, सिप्सन और ग्रेट विक्टोरिया, सबसे बड़ा ग्रेट विक्टोरिया है अमेरिका का, सबसे बड़ा ग्रेट विक्टोरिया। मंगोलिया में गोभी मरुस्थल हो गया आपका, टकलामाकन चीन का प्रसिद्ध, काराकुम तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में, थार का मरुस्थल भारत में, ईरान में दस्त ए लुट और एक और है दस्त ए कबीर, ये वो लिख लेना, ईरान के अंदर स्थित है। ये अफ्रीका का बता दिया, कालाहारी मरुस्थल तीन देशों से सीमा बनाता है, इसमें नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, बोस्मन जनजाति हीरे के लिए उत्पादन के लिए फेमस है। सारा का मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, सारा का मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप बताएं, कोई शक समस्या दिक्कत आपको कहीं पर लगी हो तो आप उस चीज को भी बताएं। इसी तरीके से आर ओ आर ओ के एग्जाम के लिए लगातार आपको ये हमारी तरफ से क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत शक समस्या लगी तो कमेंट अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। हमारा उद्देश्य बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाने का है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क ये कोर्स है आपके लिए। पीसीएस के लिए पढ़िए, आरओ के लिए पढ़िए, और आगामी आने वाले समय में एसएससी जीडी का भी एग्जाम आ रखा है तो उसके लिए भी क्लासेस आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे।